अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिन से आंदोलित किसानों पर केंद्र मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने टिप्पणी की। यूपी स्थित बागपत में पत्रकारों से वार्ता के दौरान वीके सिंह ने कहा कि जो भी तस्वीरें निकल कर आ रही है उनसे ऐसा लग नहीं रहा कि ये किसान आंदोलन है, ये कुछ और ही है। गाजियाबाद के सांसद ने कहा कि वैसे तो आंदोलन सिर्फ पंजाब का है और फ्री फसल पर एकदम से MSP संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तो 22 फसलों पर MSP लागू की और किसानों की मांग के अनुसार एकदम से MSP लागू करना संभव भी नहीं है, इसके लिए समय चाहिए। केंद्र मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितैषी है, अगर किसान सम्मान निधि और किसानों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को जोड़ दिया जाए तो राशि बजट में से भी ज्यादा कृषि को मिलाया जा सकता है। किसानों के साथ वार्ता के बाद तीन केंद्र मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपसा सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमित समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 5 वर्ष समझौते का प्रस्ताव रखा। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी कि चंडीगढ़ में रविवार को मंत्रालयों के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। फसल खरीदने के लिए MSP की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर हजारों किसान पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर कमर्शियल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्राहक राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की। रात 8:15 पर शुरू हुई इस बैठक के करीब 4 घंटे तक चली है। बैठक के बाद गोयल ने मीडिया से कहा कि वार्ता के दौरान इनोवेटिव और लीक से हटकर सुझाव रखे गए और किसान नेता सोमवार सुबह तक सरकार के प्रस्ताव का निर्णय लेंगे। अब देखने की बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच तक कब तक ये सहमति बनी रहेगी। तो चलिए अब सुनते हैं कि किसानों ने देर रात ऐसी कौन सी वार्ता की। भाई सारे किसान भाइयों ने सब नाथ जोड़कर राम राम है। आज हमारी चौथे दौर की मीटिंग हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, जिसमें माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय नित्यानंद राय जी थे, माननीय अर्जुन मुंडा जी थे और माननीय भगवंत मान जी थे और उसके अलावा अन्य अधिकारीगण थे। आज 4-5 घंटे तक हमारी चर्चा चली। सरकार ने एक प्रपोजल हमारे सामने रखा। सरकार ने ये कहा कि जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, NCCF है, NEFED है, उनके माध्यम से सरकार अगले 5 सालों तक ऑल ओवर इंडिया मसूर, उड़द, अरहर, मक्की और कपास, इन 5 फसलों की टोटल जितनी भी पैदावार होगी वो सारे के सारी MSP पर खरीदने की गारंटी सरकार देगी, ये उन्होंने कहा। चाहे कितनी भी इनकी पैदावार हो 5 फसलों की, बिना किसी कैपिंग के। हमने ये कहा है दोनों फर्मों ने कि भाई जो सरकार का ये प्रपोजल है हम अपने दोनों फर्मों की मीटिंग में रखेंगे, वहाँ पे विचार चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा वो हम सरकार तक कन्वे कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी कर्ज माफी की मांग है या फिर हमारी भूमि अधिग्रहण की मांग है उस पर भी हमारी काफ़ी विचार चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि उन पर हमें अपना माइंड बनाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, अन्य मंत्रालयों से भी विचार चर्चा करनी है, तो हमने उनको आगे 2 दिन का समय और दिया है। उसके बाद यदि 2 दिन तक सरकार कुछ ठोस चीज़ नहीं करती है तो 21 तारीख को सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से और खनौरी बॉर्डर से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और दोनों फर्मों ने आज ये भी तय किया है कि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तमाम किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के कि ये दोनों फोरम जो रणनीति आपके साथ साझा करें उसी रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि आंदोलन हम अनुशासन और शांति के साथ जीत पाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों फोरमों की तरफ से आपसे अपील की जाती है कि 19 तारीख को और 20 तारीख को और 21 तारीख को पूरे देश के साथी, खासकर हरियाणा और पंजाब के साथी, अधिक से अधिक संख्या में इन दोनों मोर्चों पर पहुंचे। खनौरी बॉर्डर पे वो साथी पहुंचे, हरियाणा के जिनके जिले आसपास के लगते हैं, जिनके आसपास के जिले शंभू बॉर्डर पे लगते हैं, वो शंभू बॉर्डर वाले मोर्चे पे पहुंचे। मोर्चे का मतलब है जहां हमारी स्टेज लगी हुई है, जहां किसान इकट्ठा है उस साइड में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को
हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी, मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो MSP की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की MSP में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है, धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है, और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु UPA के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा सकारात्मक सोच पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी
और देश के उपभोक्ताओं को सभी को लाभ हो सके ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई, जो जमीन बंजर होते जा रही, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने उड़द, मसूर, अड़हत, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती है, पंजाब का पानी भी बचेगा और MSP लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं, मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें MSP से नीचे हो जाए तो उनको नुकसान होगा किसानों को, और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ और प्रदेश को भी लाभ। देखिए, किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा, और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि MSP पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर MSP कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है, कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। उनका कहना यह है कि पूरे के पूरे देश में पंजाब का नहीं है आंदोलन, पूरे देश का आंदोलन है, उनका कहना यह है और बार बार वो कह रहे हैं। ठीक है, वो देश का आंदोलन सभी कहते हैं, लेकिन आंदोलन पंजाब से है और बहुत आप ही लोगों के द्वारा उस आंदोलन की भी बहुत सारी तस्वीरें निकाली गई हैं जो कि उस आंदोलन को कुछ और ही बोलती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है। तो फिर नरमा ते कपाह कोई जमाना सी जदों संगरूर का इलाका, बरनाले का इलाका, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, इधर अरनी आला, पन्नी आला, जलालाबाद, अबोहर तक साडा उन्हें कॉटन बैल्ट कहते सी, नरमा ते कपाह होंदी सी, पर वो भी सारा हुण लगभग झोने च चला गया क्योंकि फसलां रुल गईं। तो विश्वास उठ गया किसानों का, कदे चिट्टी मक्खी ने खा लिया, कदे गुलाबी सुंडी ने खा लिया, तो उन्होंने विश्वास उठ गया फसल तो। तो वह विश्वास बहाल करने वास्ते भी गरंटी चाहिए है खरीद की, नरमे ते कपाह की भी। सो नाल अजकल मक्की जिहड़ी है वो एथेनॉल बनन लग गया,
ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਥੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਾ, 4 ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚੋਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 10 ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜਿਹ 'ਚ ਨਫਾਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਲੀਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਨਫਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੇ, ਜੇ ਆਹ 6-7 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਅੱਜ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਐਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਕੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦ ਨਗਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ।